नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कहते हैं तस्वीर हमेशा सच बयां करती है। एक तस्वीर आई है आज श्रीनगर से। मौका था जुमे की नमाज का, लेकिन जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग मस्जिद से बाहर निकले और पत्थरबाजी करने लगे। करीब 3 महीनों की शांति के बाद घाटी में पत्थरबाज अपने अपने बिलों से बाहर निकल कर आ गए और पाकिस्तान में एक खास तरह का झंडा फिर से दिखाई दिया पाकिस्तान का। इन पत्थरबाजों के पीछे दरअसल कोई और है। इन पत्थरबाजों का हौसला देने वाले लोग सरकारी सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं और महंगे अस्पतालों में इलाज कराते हैं, लेकिन जब घाटी में वापस आते हैं तो पाकिस्तान के पैसे से इन पत्थरबाजों को फौजियों पर पत्थर बरसाने के लिए कहा जाता है। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को कि कैसे फौजी हथियार होते हुए भी इन पत्थरों को अपने शरीर पर झेलने के लिए तैयार हैं। आखिर कब तक हम इन पत्थरबाजों को नासमझ और सीधे समझते रहेंगे? आखिर इन तस्वीरों के पीछे की असली सच्चाई क्या है? आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में मेरे साथ एक ग्रैंड पैनल है, जिससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पत्थरबाजी को कैसे एक शांति प्रिय विरोध का दर्जा दिया जा सकता है और आखिर कैसे इन पत्थरबाजों से हमदर्दी रखी जा सकती है। हम अपने आप पैनल से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको हमारे आज के सवाल बताते हैं कि आखिर क्या वो सवाल हैं जो आज हम उठाने जा रहे हैं अपने इस बिग स्टोरी बिग डिबेट में। पहला सवाल, अलगाववादियों पर टैक्स पेयर्स का पैसा क्यों खर्च किया जाता है, उनकी सुरक्षा में, उनके तमाम तरह की सुविधाओं में? ये टैक्स पेयर्स का पैसा अलगाववादियों की सुरक्षा या सेवा में क्यों खर्च किया जाता है? इन नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? क्यों इनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने की सरकार की तरफ से कोशिश होती है? पत्थरबाजों पर कड़ा प्रहार क्यों नहीं, और जब कड़ा प्रहार किया जाता है तो क्यों हमारे नेता उसके ऊपर राजनीति करने लगते हैं? इन पत्थरबाजों पर कड़ा प्रहार क्यों नहीं किया जाता? इसके अलावा एक और सवाल जो आज हम उठाएंगे अपने इस डिबेट में, 150 करोड़ अलगाववादियों के सुरक्षा गार्ड की सैलरी में खर्च होते हैं, क्या इस 150 करोड़ से बहुत कुछ नहीं किया जा सकता जम्मू कश्मीर में? इस 150 करोड़ का क्या आखिर फल निकल के आता है, रिटर्न क्या होता है? 100 करोड़ सुरक्षा में खर्च होते हैं इन अलगाववादियों की, अलगाववादी नेताओं की। 50 लाख का वाहनों में तेल खर्च होता है इनके, समझिए आखिर। और यही कहीं ना कहीं पत्थरबाजों के पीछे भी दिखाई देते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर अलगाववादियों को वीआईपी लॉन्च की सुविधा मिली हुई है, वीआईपी लॉन्च की सुविधा। इसके अलावा आज की बहस में जरूरी क्यों है ये जानने की कोशिश कीजिए आप। हम इन सभी मुद्दों को उठाएंगे और इन सभी मुद्दों से हम बात करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक खास पैनल है, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सुधांशु मित्तल हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ प्रेमचंद मिश्रा जुड़ेंगे इस डिबेट में, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस थिंकर। शबनम लोन है, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट की। मेरे साथ आर के मल्होत्रा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और मेरे साथ अमित रैना है, रूट्स इन कश्मीर, जो कि कश्मीरी पंडितों का एक संगठन है। उनसे भी हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की जो कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई, इस पूरे मामले के पीछे दिखते हैं। यासीन मलिक, चेयरमैन जेकेएलएफ सेपरेटिस्ट, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सुधांशु मित्तल आपके पास आऊंगा। सुधांशु मित्तल, आर्मी चीफ ने एक बयान दिया और आर्मी चीफ के बयान के बाद इस देश में सियासत चरम पे आ गई। लगातार ये आरोप लगते रहे कि आप लोग आर्मी को क्यों सियासत में घसीट रहे हैं। सुधांशु मित्तल, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल तो कुछ और है आपसे। और मेरा सवाल वो है जो हमने अभी इस डिबेट में शुरू करते ही पूछा है, और वो सवाल ये है कि जब आप जानते हैं कि इन पत्थरबाजों के पीछे कौन है, जब आप ये जानते हैं कि इन पत्थरबाजों के पीछे कौन सी मशीनरी काम कर रही है, और जब आप जानते हैं कि सेपरेटिस्ट इसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो आखिर क्यों उनको वीआईपी ट्रीटमेंट, क्यों उनकी सुरक्षा में 150 करोड़ खर्च होते हैं, और आखिर क्यों ये फिजा खराब की जाती है जम्मू कश्मीर की? देखिए, अच्छा होता कि ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए जो सरकार की व्यवस्था को देखता होगा। मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं सुरक्षा एपरेटिस के खर्चे और उसकी देखभाल कैसे हो या किस पे क्या हो, इसके बारे में जानकार नहीं हूं। तो मेरे लिए इस पे क्या दृष्टिकोण है, क्या इसके पीछे तर्क है और क्या इसके पीछे जरूरत है, इसके बारे में मेरे को बयान करना बहुत ही कठिन है। जहां तक मुझे सामान्य ज्ञान से समझ आता है कि अगर लोग बात करने नहीं, सामान्य ज्ञान और सामान्य जन में एक भावना जो है सर पिछले 2 दिनों में, वो ये है कि हमारी देश की सेना को भी राजनीति से
अलग नहीं रखते राजनीतिक दल। ये तस्वीरें देखिए, जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये तस्वीर कहीं से भी किसी भी आम भारतवासी को मंजूर होगी कि आर्मी चीफ कहे कि पत्थरबाजी मत करिए, जो लोकल गवर्नमेंट है वो एक एडवाइजरी जारी करे कि पत्थरबाजी में मत शामिल होइए और सेना के किसी ऑपरेशन में ऐसा कोई ऑब्स्टेकल मत लाइए, और उसके अगले ही दिन न केवल पत्थरबाजी हो बल्कि एक ऐसे देश का झंडा लहराया जाए जिस देश पर यह आरोप लगता है कि वो कश्मीर में और देश में आतंकवाद फैलाते हैं, क्या कहीं से भी ये जायज है सुधांशु मित्तल? सवाल ही नहीं, ये जायज कैसे हो सकता है? और इनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई करने की एडवाइजरी जारी करी गई है। जो जने देश में आतंकवादियों के साथ, चरमपंथियों के साथ साथ देंगे, वो उनको बचाने के लिए वहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट करेंगे, वो वहाँ पे आतंकवादी इनका कवर लेके वहाँ से भागने के लिए सफल अभियान कर लेंगे, इन सबके खिलाफ ये एडवाइजरी जारी करी गई कि उनको भी टेररिस्ट की तरह ही अभी तक ट्रीट करा जाएगा। पहले तो ये था कि उनको इनोसेंट सिटीजन्स की तरह ले रहे थे और बचाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब जो है एनकाउंटर में, अगर उस इलाके में तीन, इसमें जो एडवाइजरी उसमें लिखा है 3 किलोमीटर के रेडियस में अगर किसी व्यक्ति ने यह हरकत करी तो उसके साथ वही बर्ताव होगा जो किसी। ठीक है सुधांशु मित्तल, आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ यासीन मलिक जुड़ चुके हैं। यासीन मलिक जुड़ चुके हैं, चेयरमैन JKLF। यासीन मलिक, सबसे पहला सवाल आपसे यासीन मलिक, और सवाल वो जो आपने आज बयान दिया उसको पढ़ के बहुत समझ में नहीं आया आपने क्या कहा, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं अलगाववादियों के बारे में आपने वही पुख्ता यहां करने की कोशिश की है। आपने सवाल उठा दिया इस देश के ऊपर, आपने कह दिया कि इससे पहले क्या सेना प्रमुख को मीडिया से बात करने की इजाजत होती थी? ये कौन सा देश है, रिपब्लिक है या बनाना रिपब्लिक? यासीन मलिक, या तो आप साफ कर दीजिए कि आप जो है आपको बिल्कुल, आप बता दीजिए इस देश के लोगों को कि आप बिल्कुल कोई भरोसा रखते नहीं, और दूसरी बात आपने एक ऐसा सवाल उठा दिया जो शायद इस देश का कोई आदमी आपसे इसमें आपके साथ होगा। देखिए, हिंदुस्तान का कोई नागरिक मेरे स्टेटमेंट से इतफाक करे या न करे, लेकिन ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये कल्चर नहीं था कि यहाँ के जनरल, यहाँ के पुलिस अफसर मीडिया हाउस में बैठेंगे और वही पॉलिटिकल डिबेट शुरू करेंगे, ये हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन अब ये शुरू हो चुका है। That is the reason I said India is no more a democratic country, it has become a banana republic. क्योंकि जो एक जर्नल है उसकी How can you say that? क्या आपको दिखता नहीं आज जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर में जो हुआ वो कहीं से भी जायज था? यासीन मलिक, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊं? क्या वो यासीन मलिक, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं? बंदूक उठाने के लिए कह रहा है कि जो उसने धमकी दी है इसका कॉन्सिक्वेंसेस ग्राउंड से क्या होंगे, इसके क्या? यासीन मलिक, ऐसी कौन सी गलत बात कही? उन्होंने कहा कि लोग जब सेना ऑपरेशन करे तो लोग ना आए वहां पर, सेना के खिलाफ एजिटेशन ना करें, सेना पर पत्थरबाजी ना करें। क्या किसी आम आदमी को इस तरह के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर जो अगर आतंकवाद से प्रभावित है तो उसको आतंकवाद से निजात चाहिए, आतंकवादी का साथ देना चाहिए? यासीन मलिक, देखिए, अगर आप सियासी जुदजहद और सियासी जुदजहद में आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस टेयर गैस का इस्तेमाल करते हैं, सियासी जुदजहद में आपकी फोर्सेस पेलेट गन का इस्तेमाल करते हैं जिससे इस साल 100 कुछ लोग कश्मीरी शहीद हो चुके हैं और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी आंखों की बिनाई भी खत्म हो चुकी है, और ये लड़के वापस में ना आपको बंदूक चलाते हैं ना कोई गोली चलाते हैं बल्कि ये पत्थर। जो अब मुझे ये बताए कि कश्मीरी लड़के नॉन वायलेंट हैं या तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्सेस नॉन वायलेंट? सर, ये आपको तब याद नहीं आया था जब आपने 5 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा था जनवरी 1990 में? अगर आप बात करना चाहते हैं तो कभी उसी एक आतंकवादी से मुझे पता नहीं जी ज्ञान क्यों ले रहा है, बात ये एक आतंकवादी से एक जी न्यूज ज्ञान क्यों ले रहा है मुझे नहीं सवाल मत उठाइए, जी न्यूज क्यों ज्ञान ले रहा है? जी न्यूज आपको आपको भी बुलाया यहाँ पर, सवाल आतंकवादी नहीं क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाया, आतंकवादी है उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि पत्थरबाजी के पीछे कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट है। यासीन मलिक, साफ आरोप लगता है कि सेपरेटिस्ट कहीं ना कहीं पत्थरबाजों को शह देते हैं, उनको पैसा देते हैं, और इस वजह से भी श्रीनगर और वैली की फिजा बिगड़ रही है। देखिए, यहाँ सारे कश्मीरी लोग सड़कों पे थे,
अब आप कहते हैं यासीन मलिक आप कश्मीरी लोगों के बारे में बात मत करें, आप डेमोक्रेसी के बारे में बात मत करें। आज तक आपने एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन लड़ा है, आप डेमोक्रेसी की बात तब करें अगर आप डेमोक्रेसी में शामिल हों। आप उनमें से हैं जो डेमोक्रेसी चाहते ही नहीं है कश्मीर में। अगर आप डेमोक्रेसी चाहते तो इलेक्शन लड़ते, खड़े होते, लोग आपको चुनते। आप अपने आप को लोगों का नुमाइंदा बना के बैठे हुए, किस किस्म के नुमाइंदे हैं आप जो ना इलेक्शन लड़ते ना डेमोक्रेसी में आप विश्वास रखते हैं? तो नुमाइंदे किस चीज के आप? सिर्फ नुमाइंदे उधर आतंक फैलाने में। आप नुमाइंदे उन लोगों के हैं जो उधर हालात सुधरने ही नहीं देते। आप उन जो लोगों के नुमाइंदे, आप कश्मीर के नुमाइंदे नहीं है। यासीन मलिक से संपर्क हमारा कट गया, लग रहा है यासीन मलिक सच बात सुन नहीं पाए। सुधांशु मित्तल, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन यासीन मलिक से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। प्रेमचंद मिश्रा, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, गुलाम नबी आजाद, उनका बयान आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप उस पर जरूर रिप्लाई करें। पिछले साल 1000 बच्चों को स्प्लिंटर्स लगे, 100 से 200 बच्चों की आंखें चली गई, ये कहना कि हम कश्मीर के बच्चों को पकड़ लेंगे इसे देश के लोग पसंद नहीं करेंगे। प्रेमचंद मिश्रा, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी जो आज पूरे देश में देश ने देखी है, क्या उसको देश के लोग पसंद करेंगे? प्रेमचंद मिश्रा, क्या उसको देश के लोग पसंद करेंगे जब हम ये बताएं कि जितना सीज फायर वायलेशन में हमारे जवानों को चोट नहीं पहुंची, उससे ज्यादा इस पत्थरबाजी में पिछले 14 महीनों में हमारे जवानों को चोट पहुंची है? क्या उसको देश पसंद करेगा जब एक मेजर की मौत हो जाती है, शहीद हो जाता है एक मेजर हमारा, जब वो आतंकवादियों से लड़ रहा हो और पीछे से उसको लोकल लोग ही वहां पर आतंकवादियों को कवर दे रहे हो और उन्हें भागने में मदद कर रहे हो? प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए। देखिए, जो कश्मीर की हालत है वो बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है और वहाँ पर हम सब जानते हैं कैसी परिस्थितियाँ हैं। अब उन परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे तो पिछले 32 महीने के मोदी जी के शासन में स्थिति खराब होती जा रही है और उस 32 महीने में से काफ़ी समय वहाँ पर बीजेपी और पीडीपी की सरकार है, या वो पीडीपी है जो चुनाव के बाद वहाँ के चुनाव के परिणाम के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था उन्होंने और सेपरेट जो आतंकवादी संगठन। सर आप पॉलिटिक्स को क्यों लाते हैं बीच में? धन्यवाद दिया सर, आप पॉलिटिक्स को क्यों लाते हैं बीच में? मैं आपसे मैंने पॉलिटिकल कोई सवाल नहीं पूछा। नहीं नहीं, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी मुद्दे पर आएंगे, आज मुद्दे से नहीं भटकेंगे। प्रेमचंद जी मुद्दे पर आएंगे, आप आरोप लगाते हैं। पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, आप ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी मुद्दे पर जो बात पॉलिटिसाइज कर रही है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये तस्वीर लोग पसंद करेंगे? आपके नेता ने कह दिया लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, क्या ये तस्वीर लोग पसंद करेंगे? अगर सुन लिए ना, सुनिए ना, आज यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो फिर मुझे जवाब सुन लीजिए। लोग सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। जो परिस्थितियां वहां की हैं वो परिस्थितियां पिछले 6-7 महीने से तो और खराब हुई हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं अब नहीं होंगी, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बाद दावा किया था अब नहीं होगा, अब उनको रुपये आने बंद हो जाएंगे, 500,000 के नोट आते थे इसलिए पत्थर फेंका जाता था, अब क्या हुआ? मैं कह रहा हूं जो परिस्थिति है उसको समझने की आवश्यकता है, उसको कैसे टैकल करें। कांग्रेस पार्टी इस बात के पक्ष में है कि वहां शांति बहाल हो, इसके लिए जो भी प्रयास सरकार करे हम उस प्रयास में साथ हैं, हम इस पर राजनीति नहीं चाहते, ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। सर जब आप डिबेट में बैठते हैं तब आप कहते हैं हम राजनीति नहीं चाहते, और जब आप बात करते हैं अलग से तब आप कहते हैं कि बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज क्यों कर रही है। खैर आप रहिए मेरे साथ, मेरे साथ यासीन मलिक फिर से जुड़ चुके हैं, यासीन मलिक फिर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ, यासीन मलिक, यासीन आप रहिए मेरे साथ। प्रेमचंद मिश्रा, यासीन मलिक मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, सेपरेटिस्ट पर आप पर सीधा आरोप है कि आप पत्थरबाजों को उकसाते हैं, आप पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर देते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनके दिमाग में जहर घोलते हैं, उनको पैसे देते हैं ताकि वो सेना पर पत्थर फेंके, कब बंद करेंगे आप लोग ये सब? देखिए, अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए प्रोपेगेंडा का काम कर रहे हैं तो मुझे कोई ये नहीं है कि आप करते जाए। बाकी जो आप इल्जाम लगाते हैं अगर आप इससे खुश हैं तो चलो मैं ये इल्जाम भी मान लेता हूँ। नहीं, आप मान रहे हैं कि मतलब आप मान रहे हैं कि आपने पत्थरबाजों को वहां पे उकसाया है? यासीन मलिक केवल लक्ष्यदार भाषा बोल देने से कोशिश खराब खत्म नहीं हो जाती सर। आपने माना कि आप पत्थरबाजों को वहां उकसा रहे हैं? अगर आप ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, आपको ये नजर नहीं आता है कि पूरी कश्मीरी कौम 4 महीने अपना कारोबार मुतल करके सड़कों पे थी और आप इस कौम पे इल्जाम लगा रहे हैं? सारी कौम नहीं थी, सारी कौम नहीं थी, सारी कौम नहीं थी। मैं कश्मीरी हूँ, मैं नहीं था,
तो इस बात से तो मैं खंडन नहीं करता हूँ जो आप कह रहे हैं। दूसरा, मुझे आज ऑब्जेक्शन इस बात की कि आप इनको सेपरेटिस्ट कह रहे हैं, एक टेररिस्ट है जिनके खिलाफ 24 केस हैं, जिसमें से एयरफोर्स ऑफिसर्स के 5 मर्डर के केस भी हैं। ठीक है, मैं यासिन मलिक से इस पर रिप्लाई लूंगा। सुधांशु मित्तल कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु मित्तल, गो अहेड। मेरा ये कहना है कि यासिन मलिक रहिए हमारे साथ। प्रेमचंद जी का सवाल है, प्रेमचंद जी नहीं, सुधांशु मित्तल, आप यासिन मलिक से कुछ पूछना चाहते हैं? करा गया है थोड़ा सा, मैं यासिन मलिक साहब से ये पूछना चाहता हूँ। यासिन मलिक जी, सर सर सर, आप मुझे बताया जा रहा है, संपर्क फिर से कट गया। बच्चों पे जो है, हाँ अच्छा बोलिए बोलिए। मैं प्रेमचंद जी से अब ये कहना चाहूंगा, प्रेमचंद जी, आतंकवाद की लड़ाई में हम लोग साथ होने चाहिए या अलग अलग खड़े होने चाहिए? हमारा क्या फर्ज है? क्या आप चाहते हैं कि आतंकवाद जो है चलता रहे? क्या आप चाहते हैं कि लोग इसी तरह से, आपने बात करी लोगों की, आपने कभी सुरक्षा बलों का सोचा? 100 सुरक्षा कर्मी जो हैं पिछले साल मारे गए, कभी उनका सोचा? देश की आन मान शान और देश की अस्मिता को बचाने के लिए इन्होंने अपनी बलिदान दिया। क्यों दिया? ताकि ये बच्चे पत्थर मारे उनको, ताकि ये यासिन मलिक आके कहें कि ये जो है ये यहाँ की कश्मीर की जनता पे अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शहादत दी कि यहाँ पे उनकी लाशों पर राजनीति करी जाए। मुझे लगता है कहीं कुछ विषयों में हम सबको राजनीति छोड़ के एक देश का जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो अपनाना चाहिए। जैसे दो तीन चीज़ों के बारे में स्पष्टता होती है। कश्मीर भारत का एक, मैं एक खत्म कर लूं उसके बाद प्रेम जी बोल लीजिएगा, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। वो यासिन मलिक कहें कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो उनका दिमाग खराब हो गया है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी लोग कह रहे थे कि भाई बहुत साल जेल में रहने के बाद थोड़ा उनका संतुलन मानसिक बिगड़ा हुआ है। दूसरी बात, चाहे कुछ हो जाए, इस देश के अभिन्न अंग को कोई, ठीक है सर, रिप्लाई लेते हैं, रिप्लाई लेते हैं, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं, वादी हो चाहे, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, कश्मीर ऐसा मुद्दा है ना जिस पर राजनीति किसी पक्ष को नहीं करना चाहिए, कम से कम राष्ट्रीय पार्टियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से रिस्पेक्ट करती आई आर्मी का, आर्मी के ऊपर अगर कोई अटैक होता है हम उसके खिलाफ है, ये अटैक बंद होना चाहिए और इस पर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसमें शामिल हैं। मेरा कहना क्या है, जो परिस्थितियां बिगड़ी है सर, तो फिर आपके नेता ऐसा बयान क्यों देते हैं? क्यों बिगड़ी है? इतनी अच्छी आप बात कर रहे हैं, आपके नेताओं को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? जिसके साथ आप सरकार चला रहे हैं ना, सुनिए गौरव जी, लेट मी फिनिश। अगर कॉमन आदमी को अगर चोट लगती है तो कॉमन आदमी के पक्ष में क्या बीजेपी नहीं है? क्या हम नहीं है? क्या कॉमन आदमी को आर्मी ऑपरेशन कॉमन आदमी के खिलाफ नहीं होना चाहिए? लेकिन वो बच्चे रोड पर क्यों आ रहे हैं ये हमें सोचना होगा, और उन बच्चों को रोड पर आने से रोकने के लिए सर्वदलीय कोई मीटिंग हो, सब लोग चले, सब लोग सम्मिलित प्रयास करें। नहीं तो ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। मैं राकेश सिन्हा आर्मी के साथ खड़े हैं। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट की लॉयर शबनम लोन में जुड़ चुकी हैं। लेकिन ओके मैं आ रहा हूं आपके पास प्रेमचंद जी, लेकिन राकेश सिन्हा क्या केवल ये कहकर कि बच्चे सड़क पर क्यों आ रहे हैं हमको ये समझना चाहिए, फ्री वॉक देना चाहिए, और कहीं से आर्मी चीफ की बातों में आपको ये लगा कि क्या उनको टारगेट करना है, या आपको लगा कि आर्मी चीफ ने एक हिदायत दी है उन लोगों को जो सेना के ऑपरेशन में कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स की मदद करते हुए दिखते हैं, कहीं ना कहीं उनको कवर देते हुए दिखते हैं? एक तो मैं ये साफ कर दूं, जो अभी यासिन मलिक कह रहे थे कि सेना पहली बार पत्रकारों से बात की है, उनको इतिहास बोध नहीं है। 1971 के युद्ध के पहले और बाद में सेना ने पत्रकारों से बात की थी। 1980 के दशक में जब सेना पर पहली बार आरोप लगा कि सेना बलात्कार के लिए जिम्मेदार है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट जारी किया, फेक रिपोर्ट जारी किया जो भारत में अवेलेबल नहीं था, यूनाइटेड नेशन के मंच पर अवेलेबल था। पाकिस्तान के प्रतिनिधि पीयूसीएल की रिपोर्ट पढ़कर भारत की आर्मी पर प्रहार कर रहे थे। भारत के यूनाइटेड नेशन में डेलीगेट को पता ही नहीं था कि हम क्या कैसे बचाव करें, उनके पास रिपोर्ट ही नहीं था। तब सेना ने पहली बार वीजी वर्गीज, जो मानवाधिकार के माने एक बुद्धिजीवी थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, एक सिविल कमेटी बनाई जिसने इंक्वायरी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और सेना को पाक साफ साबित किया।
यह जो एक षड्यंत्र चल रहा है कश्मीर को होली का बना देने का कि कश्मीर के बाद सेंसिटिव, कोई सेंसिटिव नहीं है कश्मीर, किस बात का सेंसिटिव है? कश्मीर भारत का हिस्सा है, जो पत्थर चला रहे हैं उनको गोलियों से भून देना चाहिए। क्यों नहीं भूना जाएगा? ये पत्थर चलाने क्यों आते हैं? दूध मांगने आते हैं, कॉलेज में फीस माफ कराने आते हैं, ये अच्छा पैसे लेकर भारे पर ये आते हैं। और जिस दिन भारत की सरकार हार्ड स्टेट शबनम लोन रिएक्ट करना चाहती है, कुछ शबनम लोन कुछ कहना चाहती है, कांप रहे हैं शबनम लोन। नहीं मैं बता दे रहा हूँ, हाँ बोलिए, मैं एक बात बोलिए 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 राकेश जी बोलिए, राकेश जी बोलिए अपनी बात, राकेश जी बोलिए 2044 2006 में 182, 2007 में 122, 2015 में 39, 2014 में 47, 2013 में 53 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। क्या उनकी कीमत नहीं है? एक सिक्योरिटी पर्सनल को ट्रेनिंग देने में, उनको भर्ती करने में, उनको बनाने में सिर्फ पैसे खर्च नहीं होते हैं, परिवार अपना सेक्रीफाइस करता है। सिक्योरिटी पर्सनल में कौन बनता है? बिरला टाटा डालमिया के घर के लोग नहीं आते हैं, साधन परिवार के लोग सिक्योरिटी पर्सनल बनकर जाकर बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं। उनकी जान की कीमत को समझिए, उनके परिवार की कीमत को समझिए, देश की शबनम लोन, शबनम लोन, शबनम लोन, शबनम लोन, सीधा सवाल आपकी कश्मीर शबनम लोन की तरह कश्मीर को ट्रीट करने की जरूरत है। ओके ओके, शबनम लोन जब आतंकी पत्थरबाजों के पीछे छिपकर हमला कर रहे हो तो उन पत्थरबाजों से कैसे निपटें? शबनम लोन जवाब दीजिए। नहीं वैसे मैंने राकेश सिन्हा साहब की बात सुन ली, इन्होंने तो बहुत अच्छा सलूशन दिया, इन्होंने कहा सबको गोली मारो तो फिर वही करें, ये राकेश सिन्हा साहब अभी कह रहे थे, फिर हमें बात करने की क्या जरूरत है? जब इतने विद्वान लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि वहां पे अगर सारी आप उनको माला पहनाइए ना, आप उनको माला पहनाइए, उनको स्वागत कीजिए, उनको भारत रत्न दिलवाइए, पत्थर फेंकने वालों को उनके साथ क्या किया गया बताइए तो। आपने सेना के, जब सेना आतंकवादियों से लड़ रही होती है उसमें वो पत्थर फेंकने आते हैं सिविलियन के नाम पर, वो सिखंडी बनकर सिखंडी की भूमिका निभाते हैं, सिखंडी की भूमिका निभाने आते हैं, आतंकवादी के बीच में ये सिखंडी की भूमिका निभाने आते हैं, सिखंडी के साथ क्या व्यवहार होता है सबको मालूम है। अरे अरे राकेश सिन्हा, ये झूठ 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 सारा, आप ये इनोसेंट जनता को यहाँ पे बता रहे हैं। क्या झूठ मैंने बोला? पैशंस अब सुनिए, कितने सिक्योरिटी प्रश्न, 33 लेटर कंप्लीट सर, लेटर कंप्लीट बोल रहे हैं, 14 जुलाई 2016 के बाद से सुनिए, बोलिए शब्द हमलोन बोलिए, सुनिए अब मैं बात करूं। देखिए आज ही स्टेटमेंट आया तो ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, दूसरे एक प्रोग्राम में थी, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने जबरदस्त समर्थन किया है अपने आर्मी चीफ साहब का, बिपिन रावत साहब का, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, फाइन दे आर एंटाइटल टू दैट, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, उसी प्रोग्राम में ये पीडीपी का स्पोक्स पर्सन था कश्मीर में, वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने बड़ा गलत बयान दिया। अब आप इन लोगों से ही पूछ लीजिए, सुधांशु मित्तल साहब हैं, ये राकेश सिन्हा साहब हैं, बहुत जबरदस्त अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनको बताइए कि वहां पावर में रहने के लिए इनमें इतना दम है ये कहने का पीडीपी को कि क्यों तुमने ये कहा? जरा ये कह दे। नहीं तो शबनम लोन आज वो एडवाइजरी किस सरकार ने जारी की है? क्या उसमें पीडीपी की सरकार शामिल नहीं है जो एडवाइजरी वहां जारी की गई है? क्या वो एडवाइजरी में ये नहीं कही जाती कि आप सब लोग उस जगह से दूर रहें जो जहां पर सेना का ऑपरेशन हो रहा है? क्या एडवाइजरी? वही तो मैं बोल रही हूँ, कंफ्यूजन देख लीजिए, वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं आर क्या एडवाइजरी है वो? आर्मी भी तो वही कहा गया है, आर्मी भी तो वही कहा है कि आप दो एक तरफ से लोगों को कहा गया गौरव जी, नहीं एक मिनट सर, एक मिनट सर, शबनम लोन जब उस एडवाइजरी में कहा गया है कि वहां से दूर रहिए, उसका मतलब है कि कोई ना कहीं कोई तो है जो सेना के ऊपर पत्थर बरसा रहा है। आर्मी चीफ ने गलत कहा, सुधांशु मित्तल जी और राकेश सिन्हा जी रुकिए, प्रेम चतुर्शा रुकिए, सब लोग पीडीपी कह रहे हैं, राकेश सिन्हा जी एक बात का जवाब, गलत बयान दिया आर के मल्होत्रा, ये कह रही है हमको पॉलिटिसाइज करना चाहिए, पीडीपी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सब कहते हैं राजनीति इसलिए है ताकि नीति बना सके। जब कोई नीति बनाता है तो आप उसमें राजनीति करना शुरू कर देते। आपने सेना को भारत ने भेजा, अपनी मर्जी से नहीं गई, एक बॉर्डर है उसके लिए, एक स्थिति है जिसको काबू करने के लिए सेना उधर गई। उसके बाद आपने एक पॉलिसी बनाई कि हमारा स्टेक होल्डर इस किस्म के लोग भी हैं जो अलगवाद हैं। आपने उनको स्टेक होल्डर क्यों बना लिया मुझे नहीं पता, आज तक क्यों बना लिया मुझे नहीं पता, किसी और स्टेट में इस किस्म की चीज हो ही नहीं सकती, लेकिन आपने उनको
इतना एक वीआईपी स्टेटस दे दिया उनको कि फालतू में बेवकूफी वाली चीज आपने की, और वो लोग सेना के खिलाफ भड़का रहे लोगों को. इनोसेंट चिल्ड्रन, इनोसेंट यूथ, दे आर नॉट इनोसेंट एट ऑल. दे आर द गाइज हू आर अ पार्ट ऑफ अ वेल प्लान मनूवर. उनका मनूवर क्या है, एक तरफ बैंक चोरी होता है, उधर से पैसे निकलते हैं, उस हथियार आते हैं, उन लोगों को उकसाया जाता है, बंदूक बंदूक से उनको इकट्ठा किया जाता है. अपने आप नहीं आते वो, टेररिस्ट की बंदूक है जो उनको लेके आती है उधर. जमा मस्जिद में बयान होते हैं जो उनको उकसाते हैं. फ्राइडे की प्रेयर्स के बाद ही ये क्यों हुआ, बाकी नहीं होता. और आपने क्या किया, सेना ने ये नहीं कहा कि आप अपनी आवाज ना उठाएं. वो कहते हैं आवाज उठाएं, पॉलिटिकल चीजें करें, लेकिन जहां हम ऑपरेशन करेंगे उधर आप आओगे तो जवाबी कार्रवाई होगी. ठीक है, शबनम लोग रिप्लाई कीजिए, जल्दी कीजिए, फिर सुधांशु जी के पास जा रहा हूं, प्रेमचंद जी आ रहा हूं के पास. शबनम लोग, मल्होत्रा साहब आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इन बच्चों को बेसिकली आर्मी के खिलाफ किसने उकसाया. कश्मीर की पॉलिटिकल प्रॉब्लम 47 से जारी है, लेकिन आज तक मैंने भी आर्मी के खिलाफ इतना रोष नहीं देखा. अब मैं आपको एक फैक्चुअल बात कहूंगी, सबसे ज्यादा अगर आर्मी के खिलाफ कश्मीर के लोगों ने को किसी ने उकसाया है तो वो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला है. जब पावर में नहीं थी महबूबा मुफ्ती तो रोज वो प्लेकार्ड लेके चलती थी, कहती थी अफसा हटाओ, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्मी जी यहां पर ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस कर रही है रोज. इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट. मैडम लोन पावर में था तो वो भी यही करता था. देखिए मैडम लोन, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता. देखिए पीडीपी करती थी, कांग्रेस करती थी, या बीजेपी करती थी, जो मर्जी, लेकिन भारत का एक और कश्मीरी पंडितों का ये हाल किसने किया. शबनम लोन, आप कश्मीरी लोगों की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों को भूल जाते हैं. शबनम लोन, आप लोग कश्मीरियों की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों का हाल भूल जाते हैं. वो कौन लोग थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का यह हाल किया, वो कौन लोग थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को आज अपने घर से ही बाहर कर दिया. मेरे साथ हैं यहां पर अमित रैना, बताएंगे आपको. अमित रैना प्लीज. सवाल ये नहीं है कि पीडीपी क्या करता था और बीजेपी क्या करता था, आज आर्मी चीफ का बयान है और मुद्दा है यह कि सही थे कि है और पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है वो बयान, बिल्कुल पॉलिटिक्स क्यों हो रही है. और आर्मी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा आप हमें ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो हम अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे. जब आपने हाथ में पत्थर उठाया आप उसी टाइम से इनोसेंट और अनआर्म्ड होना सीज हो गए. आपने पत्थर उठाया अपने मारने के लिए. पत्थर एक हथियार है, बंदूक एक हथियार है, तो उस हिसाब से पत्थर भी एक हथियार है. और आप पत्थर उठाते हैं मारने के लिए, किसी को इंजर करने के लिए, तो उनको इनोसेंट कहना तो बड़ी ही शर्म की बात है. और आज जो आतंकवादी हैं वो इतना बढ़ चढ़ के इसलिए बोल रहे हैं कि किसी सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी केस आगे बढ़ा ही नहीं. मैं अभी यासिन मलिक की बात कर रहा था, 22 केस हैं उनके ऊपर, जिसमें से एयरफोर्स ऑफिसर्स के 5 केस हैं, 5 एयरफोर्स ऑफिसर्स के मारने केस हैं, जिसमें अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है. 27 साल हो गए, तो एक आतंकवादी तो चौड़ा के बोलेगा कि हाँ मुझे तो स्टेट से डर ही नहीं. यू आर राइट. तो आप जब तक इस प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको फेयर ऑफ लॉ नहीं दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे बयान आते रहेंगे. ठीक है मैं अब सुधांशु मित्तल आपके पास आऊंगा. सुधांशु मित्तल, साफ है यहां पर कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर भी है. ये सरकार वहां स्थिति संभाल नहीं पा रही है, और ये साफ आप पे आरोप लगता है विपक्षी पार्टियों का या शबनम लोन जैसे इंटेलेक्ट का, कि आपकी और पीडीपी की सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता, और कहीं ना कहीं वोट पॉलिटिक्स है दोनों की. पहले तो मैं एक मूल प्रश्न उठाना चाहता हूं शबनम लोन जी से, या हुर्रियत के नेता जो है सैयद गिलानी जी से, या यासिर मलिक थे अभी. भाई आप लोगों के परिवार में से कितने बच्चों ने पत्थर उठा के मारा? ये क्या होता है कि जितना नेतृत्व है जो अपने को कहता है कि हम जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनमें से किसी का एक बच्चा जो है सड़क पर आकर प्रदर्शनकारी नहीं है. किसी का बच्चा इंग्लैंड में पढ़ रहा है, किसी का अमेरिका में पढ़ रहा है, किसी का यहाँ पढ़ रहा है. सब मेरा सवाल, मैं बोल लूँ जरा, बीच में नहीं बोलिए, तहजीब रखिए लोन जी, आपसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात मेरे रख लीजिए. थोड़ी सभ्यता दिखाइए. गलत बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ आपका जब मौका है तब बोलिएगा, बीच में ना बोलिए. अपना आप जो है अपना गिल्ट दिखा रही है ये कह के, आपने हिम्मत नहीं है सत्य सुनने की. सत्य ये है कि तमाम
हुर्रियत का नेतृत्व नहीं, हिम्मत तो आपने गिलानी साहब और यासीन मलिक को बंद आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कितने हैं इन सबके लोगों को क्या बोल रहे हैं आप किसी बच्चे को इंजीनियर बना के भेज दिया किसी को डॉक्टर करने के लिए भेज दिया किसी को एमएलए मैंने पिछली बार जो है एक 64 पेज की रिपोर्ट निकाली थी अरे भाई चुप रहिए बदतमीजी क्यों कर रही है अजी कमाल की बात है किसको बोल रहे हैं आप जो बोलने से मैं बीच में बोला जनता को बोल रहे हैं जब आप बोलने से मैं बीच में बोला आप उनको जेल करें ना जब आप बोली मैं बीच में बोला क्या नहीं बोला ना आप में हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए नहीं तो आप दिखा रही है कि आप कितनी बौखला रही है आप क्यों बौखला रही है भाई मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए आप जब बोलती है मैं चुप रहता हूँ मैं आपकी बात सुनता हूँ आप जो चांद लगाना लगाइएगा लेकिन मुझे मेरी बात करने का हक है आप प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं लॉयर हैं आप अगर लॉयर हैं तो आपको दूसरे को बोलने का हक देना पड़ेगा तो अगर आपको लगता है आरोप लगते हैं इस तरह के वकील हैं आप उनको जेल करें माने यार इसमें व्हाई डोंट यू टेक देम टू जेल ठीक है शबनम लोन रिप्लाई लेते हैं शबनम लोन जवाब लेते हैं शबनम लोन जवाब लेते हैं चिल्ड्रन वेयर आर योर फैमिली मेंबर्स Where are the family members of Lone? Where are the family members of Gilani? Where are the family members of Yasin Malik? Why are they not a part of the protest? They will not be. क्योंकि मेरा खून खून है दूसरे का खून पानी उन इनोसेंट लोगों को आप बरगला के पैसे देके उनको आप जो है आर्मी के सामने खड़ा करते हैं मैं सनिया क्या मैं बताता हूँ गिलानी का बेटा कहाँ है गिलानी के बच्चे कहाँ है मैं बताता हूँ सर सुनिए 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 शबनम लोन यू हैव टू रिप्लाई शबनम लोन गिलानी की छोटी बेटी फरहत कहाँ है मालूम है आपको आपको मालूम होगा सऊदी अरब में टीचर है गिलानी के बड़े बेटे और बड़ी बेटी ने एमबीबीएस करने के बाद कहां पे डॉक्टरी कर रहे हैं दिल्ली में डॉक्टरी कर रहे हैं अलगाववादी आसिया का बेटा कहां पढ़ता है मलेशिया में पढ़ता है हुर्रियत नेता हाशिम कुरैशी का बेटा कहां है नीदरलैंड में है मीरवाइज उमर फारूक की बहन राबिया कहां रहती है अमेरिका में रहती है तो जो एक सवाल है इसका जवाब तो आपको देना चाहिए शबनम लोन आप उन लोगों को उकसा रहे हैं जो गरीब है जो अनपढ़ है या जो जो जिनको जिनके लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है उनको 500 रुपए देकर उनके हाथ में आप पत्थर रख देते हैं या वो लोग जो पत्थर रख देते हैं क्या ये सही है क्या ये सही है शबनम लोन देखिए आपका जो सवाल है बहुत वाजिब है और अगर ये सही होगा कि हम ये ऐसा करते हैं तो हमको भी कानून के दायरे में गिरफ्तार किया जाना चाहिए लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है सिद्धांशु मित्तल साहब ने प्रेमचंद जी आ रहा हूं और राकेश जी आ रहा हूं एक मिनट में बहुत जबरदस्त अपनी तरफ से ये बताया सुनिए आप मुझे एक चीज का जवाब दें गिलानी साहब और यासीन मलिक और मीरवाइज आपका ही कहना है कि वो लोग इस सारे कांड में शामिल हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं उनको पैसा दे रहे हैं देशद्रोह के मामलों में इन्वॉल्व है तो मेरा आपसे एक सवाल है कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं किए आप वो बाहर क्यों हैं और वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई ये लोगों को जो उकसा रहे हैं सारे हिंदुस्तान को ये झूठ फर्जी चीजें बोलकर बच्चों की तरफ इधर लो उधर लो आप अगर गिलानी साहब की बेटी टीचर नहीं होगी तो वो श्रीनगर में होती तो मसला कश्मीर हल हुआ होता नहीं सवाल ये नहीं है कि कश्मीर में होती नहीं होती गिलानी साहब दूसरे के बच्चों को मोहरा बना रहे हैं सवाल ये है कि हाँ तो सवाल ये है कि दूसरे के बच्चों को मोहरा बनाइए और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दीजिए मोहरा बना रहे हैं ना तो उनको सुधांशु मित्तल जल्दी से रिप्लाई कीजिए और उसके बाद मैं राकेश सिन्हा के पास आ रहा हूँ सुधांशु मित्तल जल्दी से रिप्लाई कीजिए ओके शबनम ये गिरफ्तारी का विषय नहीं है उनके समर्थन में जब आप खड़े होते हैं तो आप उनकी हत्या करवाने के लिए खड़े हो रहे हैं आप उन बच्चों को मरवाने के लिए खड़े हो रहे हैं आप जब उनका समर्थन देते हैं तो आप चाहते हैं कि किसी दूसरे का खून बहे ताकि आपकी राजनीति की रोटियां सक सके आप तब ये चाहते हैं आप हिम्मत है तो अपनी शहादत देके दिखाइए आप में हिम्मत है तो खुद खड़े होकर दिखाइए समर्थन ना बने दीजिए आप खुद आइए सामने सामने कोई नहीं आता अपने परिवार को लेके आइए अपने बीवी बच्चों को लेके आइए वो कोई नहीं करेगा आप जो है जो भोले भाले हैं जो गरीब है उसको पैसा देके बरगलाते हैं आपको शर्म आनी चाहिए कोई नहीं है आप जैसे लोगों ने कश्मीरियत का मजाक उड़ा दिया आप जैसे लोगों ने उनको समर्थन किसको दे रहे हैं आप अराजकतावादियों को समर्थन दे रहे आतंकवादियों को समर्थन दे रहे लेकिन किसी दूसरे के बच्चे को मरवाने के लिए अपने बच्चे को नहीं अपने परिवार वाले को नहीं हिम्मत है तो अपने परिवार वालों को सामने खड़े करिए अगर आपने अपने कश्मीर के प्रति इतना आपने आक्रोश है आपने आस्था है तो लड़के दिखाइए
ठीक है ओके ओके शबनम लोन ओके सुधांशु जी रुकिए सुधांशु राकेश सिन्हा शबनम लोन कह रही है कि हिंदू मुस्लिम माफ कराते हैं राकेश सिन्हा क्या आर्मी को इस तरह से पॉलिटिसाइज करना चाहिए? और दूसरी बात कह रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, ठीक है सबको अपने बच्चों के लिए लड़ने का हक है, लेकिन उन जवानों का कोई सोचेगा राकेश सिन्हा जो भी किसी के बच्चे हैं? हम एक डेटा देते हैं यहां पर कि क्या कुछ हुआ है पिछले 14 महीनों में 80 जवान शहीद हुए हैं, 150 जवान आतंकी घटनाओं में घायल हुए हैं। लेकिन शबनम लोन आप इस डेटा को ध्यान से सुनिए क्योंकि आपको इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। पत्थरबाजी के कारण 6000 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं और जिसमें से 700 जवान दिव्यांग हो चुके हैं। राकेश सिन्हा देखिए शबनम जी सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं शबनम लोन शुरू किया आपके पास आऊंगा मैं यही सवाल लेके राकेश सिन्हा की बात हो जाए। हाँ सुनिए शबनम जी आप सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करती हैं, एक भारत के जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड है कोर्ट है उसमें आप एक प्रैक्टिसनर हैं और आपसे ये शोभा नहीं देता है कि आप उन आतंकवादियों की पैरोकार बन जाए। आप तो उनके पैरोकार जाने अनजाने आप भारत में पैरोकार बन जाती है। दो बातें मैं सुधांशु मित्तल नहीं, राकेश सिन्हा के साथ नहीं हूँ। इस राकेश सिन्हा आप जो साध्वी ज्योति के साथ हैं, आप अरे आप तो सुन लीजिए साथ हैं जो आपके आप उनके साथ हैं। वो जो कहती है रामजादे और हरामजादे मैं भारत के साथ नहीं है, आप उनके साथ हैं। आप छोड़िए आज के साथ हैं जो गांधी के कातिल को कहता है उसको प्राइज दे दो, आप उसके साथ हैं, मैं नहीं हूँ। नो डोंट Let him speak. Shabnam Lone, you made your point. Let him speak now. Make wrong. Shabnam Lone, please. अच्छा ठीक है शबनम जी, आपने अपना प्रमाण पत्र ले लिया, मैं अब दो तीन बातें सुन लीजिए। देखिए मैं एक घटना सुनाता हूं। 4 अगस्त 2005 को जनरल केपीडी शर्मा ने सच्चर कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा। सच्चर कमेटी ने पूछा था कि आर्मी में कितने मुसलमान हैं कितने हिंदू हैं, ये डाटा चाहिए। केपीडी शर्मा ने लिखा कि भारत की आर्मी एक देशभक्त आर्मी है जिसकी एक ही जाति है देशभक्ति, हम धर्म के आधार पर जाति के आधार पर हेड काउंट नहीं करते हैं, कौन कितना शहीद होता है ये हम काउंट करते हैं। जनरल जे सिंह को जो आर्मी चीफ थे पत्र लिखा गया और जनरल जे सिंह ने डिफेंस मिनिस्टर तब प्रणब मुखर्जी थे उनको जवाब दिया कि आर्मी में हेड काउंटिंग मत कीजिए जाति और धर्म के आधार पर, कहीं बाढ़ आता है कहीं पर तूफान आता है तो आर्मी आता है, सिर्फ बॉर्डर पर ही आर्मी नहीं होता है। इसलिए आर्मी ने जो आज बयान दिया है उसके मैसेज को सुनिए कि अब भारत और भारत की सेना कश्मीर के मामले में वो नीति नहीं अपनाएगी, भारत की आर्मी ऑर्फेन की तरह कश्मीर देखती नहीं रहेगी कि उस पर पत्थर फेंकता जाएगा, उसके जवान शहीद होते जाएंगे, उनके सब जवानों के घर पे टेलीफोन जाएगा कि आपका बेटा शहीद हो गया, ऐसा नहीं होगा। यदि आप इनोसेंट हैं तो आप घर में रहिए, यदि आप पत्थर उठाते हैं तो आप इनोसेंट नहीं हैं। पत्थर उठाने वाले को यदि गोली लगती है तो फिर कोई मानवाधिकार का सवाल ये है राकेश सिन्हा सवाल ये है कि फिर पॉलिटिक्स भी क्यों होती है? हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह से करने लगती हैं जैसे पता नहीं कितने बड़ा मानवाधिकार हनन हो रहा है। कांग्रेस के नेता ऐसा बयान दे देते हैं ऐसा लगता है कि उनको उन पत्थरबाजों से हमदर्दी है। देखिए ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक्सटेंडेड हमें कोई हमदर्दी नहीं है, कश्मीर हमदर्दी इनको है मानवाधिकार का। एक मिनट गौरव जी, कांग्रेस पार्टी के लोग इंटरनेशनल की तरह व्यवहार करते हैं। भारत की सेना, भारत की भूमि, भारत की अस्मिता, इन तीनों की रक्षा करने के लिए आईएसआई एजेंट आप पालते हैं, जो इस पार्टी का आदमी आईएसआई एजेंटी करता है और इंटरनेशनल वही बात लागू होती है जो आज आर्मी चीफ श्री रावत जी ने कहा है। ठीक है प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए, प्रेमचंद मिश्रा क्यों हमदर्दी है और आप कह रहे हैं हमदर्दी नहीं है तो इस बयान से और क्या झलकता है सर जो आपके नेता देते हैं? यह आश्चर्य लगता है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं
जिनके लोग आईएसआई के पेपर सर मैं बीजेपी आरएसएस का नहीं पूछ रहा हूं सवाल सर आप मेरे जवाब से मेरे सवाल से अलग जा रहे हैं सुनिए मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा प्रेमचंद मिश्रा मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा आप बोलिए लेकिन मेरा सवाल सुनिए आपको मैंने गुलाम नबी आजाद का एक बयान सुनाया था फिर से वो बयान सुनिए प्रेमचंद मिश्रा आप बोलिए एक मिनट राकेश जी रुकिए प्रेमचंद मिश्रा, कश्मीर के बच्चों को पकड़ लेंगे ये देश के लोग पसंद नहीं करेंगे क्या वो बच्चे हैं जो सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं क्या ये हमदर्दी नहीं है पत्थरबाजों से गौरव जी भारत की सुरक्षा में जो भी जवान लगे हैं आर्मी या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो भी सिक्योरिटी पर्सनल हमारा है उसके ऊपर अगर कोई अटैक होता है हम उसके खिलाफ हैं ये अटैक गलत है सर आई रेस्पेक्ट योर स्टेटमेंट बट प्लीज लुक एट योर लीडर सर क्या कहा उन्होंने लेट मी फिनिश पूरे बोलने नहीं दे रहे आप लोग इन लोगों को पूरा मौका आपने दिया है पॉइंट क्या है मैंने क्या ना कि परिस्थितियां क्यों खराब हुई हैं आपने कुछ आंकड़े बताए 32 महीने में 188 हमारे सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं और 100 के करीब सिविलियन मारे गए हैं इसकी क्या वजह है आपकी कश्मीर की पॉलिसी गलत है आप और पत्थरबाजी में 6000 से ज्यादा जवान घायल हुए चुनाव के लिए पाकिस्तान पत्थरबाजी में 6000 से ज्यादा जवान घायल हुए 700 से ज्यादा दिव्यांग हो गए हैं लोग ज्यादा 7000 और 4000 प्रेमचंद जी कश्मीर की समस्या विरासत में नेहरू ने इस देश को दिया मैं आपको ऐसे आकार दूंगा उन लोगों के साथ थोड़ा इतिहास देख लीजिए सुनिए सरदार पटेल के जिन लोगों ने नेहरू जी अलगाववादियों को धन्यवाद दिया कश्मीर के चुनाव के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया उसके साथ मोदी जी ने सरकार बनाया आप पीडीपी के सामने सत्ता के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं पीडीपी की सहानुभूति बुरहान वानी के परिवार को किसने मुआवजा दिया बुरहान वानी के परिवार को आतंकवादी के परिवार को मुआवजा देते हैं और यहां देशभक्ति की बात पढ़ा रहे हैं बीजेपी को कोई बोलने का हक है क्या मुआवजा नहीं दिया गया देना पड़ेगा कोई मुआवजा नहीं दिया गया बुरहान वानी को कांग्रेस क्या मानती है प्रेमचंद मिश्रा बुरहान वानी को कांग्रेस क्या मानती है बुरहान वानी क्या था बुरहान वानी के परिवार बुरहान वानी क्या था प्रेमचंद मिश्रा बुरहान वानी को कांग्रेस क्या मानती है दुष्प्रचार प्रेमचंद मिश्रा बुरहान वानी को कांग्रेस क्या मानती है आतंकवादी था तो आतंकवादी के जनाजे में शामिल होने वाले लोगों के साथ क्या करना चाहिए आतंकवादी का साथ देने वाले लोगों के साथ क्या करना चाहिए मानती है आतंकवादी के साथ खड़े होने वाली आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखने वाली सरकार पार्टी नेता आदमी जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो आप मांग करते हैं आपके नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए आप मांग करते हैं आपके नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए आप मांग करते हैं आपके नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के साथ दिया क्या नहीं आतंकवादियों का साथ नहीं दिया लेकिन हमदर्दी जताई है पत्थरबाजों के वो लोग हैं जो आतंकवाद का 10 जला है किसी ने नहीं दिया बुरहान वानी के पक्ष में पीडीपी रही है बुरहान वानी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही है उसके परिवार के लोगों ने कंपनसेशन दिया है इनके लोग आईएसआई का एजेंटी करते हैं आईएसआई को पैसे लेते हैं आईएसआई को इन्होंने पठानकोट हमारा एयरबेस दिखला दिया बीजेपी ने और वहां के शादी विवाह यही यही रीजन है एक मिनट ठीक है सुधांशु मित्तल मैं एक मिनट में आ रहा हूं यही रीजन है आरके मल्होत्रा कि पॉलिटिक्स में मेरा दामन सही तुम्हारा दामन गंदा तुमने गलत किया मैंने सही किया मेरी पॉलिसी अच्छी इनकी पॉलिसी गलत और आज शायद यही हाल है कश्मीर कैसी वजह से मैं एक्चुअली बहुत शर्मिंदा हूं ये देख के कि कश्मीर के बारे में हम बात तो जरूर करते हैं लेकिन राजनीतिक बात करते हैं नीति की बात कोई नहीं करता आज तक आप करते हुए कौन पकड़ा है आप मुझे एक चीज बताइए आज तक आप मुझे स्टेक होल्डर मानते हैं उधर की पॉलिटिशियंस को स्टेक होल्डर मानते हैं गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर मानते हैं पर जो उधर मर रहे हैं लोग जो फौज आपकी पॉलिसी को उधर एक्चुअल ऑन ग्राउंड कुछ कर रही है वो स्टेक होल्डर ही नहीं है वो कोई बयान नहीं दे सकता अगर कोई बयान देता है उन लोगों के लिए अपने कमांड के पक्ष में तो
तो आप बोलते हैं साहब इसके संग का बयान नहीं होना चाहिए, पॉलिसी पर और इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। ये कह रहे हैं हमारी पॉलिसी सही थी, ये पॉलिसी खराब, ये सरकार की पॉलिसी खराब है। पॉलिसी बड़ी सीधी है, आप उधर फौज को कहेंगे कुछ मत करो तो अमन है, आंकड़े हैं, अमन है जो और कुछ नहीं होगा और आप खुश रहेंगे कि साहब बड़ी चैन हो रहा है, बड़ी है। लेकिन जहां फौज कुछ करने की कोशिश करती है आप कहते हैं उसके हाथ बांध दो, आप कहते हैं कि तू कुछ नहीं करेगा, जो तुम पे गोली मारे मारे लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तंत्र फेल है साहब, आपको बताता हूं आपने क्या किया। एक उधर टीवी में भाषण मत दे दीजिए, आप ये बताइए कि 2016 में सुनिए मल्होत्रा जी, 2016 में घुसपैठ की घटना में 200% का बढ़ोतरी क्यों हुआ है? हमारे इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल क्यों मारे जा रहे हैं, क्योंकि संख्या में बढ़ोतरी 2015-16 में क्यों हुई है? सुनिए कि हमारी जो सरकार है, सुनिए आप जवाब सुन लीजिए, जो अलगाववादी से आप जवाब शब्द सुन रहा हूं आपके पास। 2016 से पहले पाकिस्तान का अफगानिस्तान बॉर्डर एक्टिव था, उनकी एक जरबे मोमिन एक मुहिम चल रही थी जहां अपने लोगों को वो मार रहे थे, हम चुपचाप उनको हमने करने दिया और अपने बॉर्डर को बिल्कुल काम रखा, उनको नहीं सिखाया। जब उन्होंने वो मसला सॉर्ट आउट कर लिया, उन्होंने भारत की तरफ अपना रुख अपनाया और भारत में वो दंगा करना शुरू हो गए। तो जिस वक्त हम उनके साथ कुछ कर सकते थे तब हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं किया। जब उनके पास दो फ्रंट थे तो हम अगर ये फ्रंट एक्टिव रखते तो पाकिस्तान अपने घुटने टेक देता बहुत पहले, लेकिन हमने चुप रहे, हमने कुछ नहीं किया। अब ऑब्वियसली जब वो खत्म हो गया, और देखिए पाकिस्तान और भारत की सेना उधर, एक कल अटैक हुआ एक श्राइन में, 100 आदमी मर गए, अगले ही 2 घंटे में 35 आदमी मार दिए उन्होंने, वही शिया जिनके खिलाफ बॉम्ब चले थे वही शिया पाकिस्तान आर्मी ने मार दी। और हम पाकिस्तान आर्मी को कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब शाबाश कर रहा है कि साहब आपने फौरन उसका मुआवजा ले लिया। अगर भारत की सेना अगर सिर्फ यही कहती है कि पत्थर अगर मारे जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं नहीं, तो हम आपको आतंकी मानेंगे, एक मिनट तो आप सियासत कर रहे हैं। ओके, अमित रैना वो किसकी पॉलिसी थी जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ा, बताइए जरा। आज ये पॉलिसी पे सवाल उठता तो आज इसी पे बात करते हैं। वो कौन सी पॉलिसी थी जिसकी वजह से आज कश्मीरी पंडित दर दर भटक रहे हैं, अपने घर जाना चाहते लेकिन जा नहीं पा रहे? मैं आता हूँ शबनम, आपसे भी इसी पे बात करूंगा मैं, सुधांशु जी आ रहा हूँ। शबनम जी को तो इस बारे में मालूम ही होगा ये सेपरेटिस्ट की पॉलिसी क्या रही थी, और आज आप आर्मी के खिलाफ इतना कुछ कह रहे हैं। कश्मीरी पंडित ने तो शायद किसी के खिलाफ एक उंगली भी ना उठाई थी, और उनके घरों पे पथराव हुए, उनकी औरतों के साथ अत्याचार हुए, उनकी हत्या हुई, और उसके बाद उन्हें निकाल दिया गया। तो अगर आज आप शबनम जी कह रहे थे कि हमारे बच्चे हैं हम उनको डिफेंड करेंगे, अगर आपके बच्चे आप उनको डिफेंड करना चाहती हैं तो उनसे पहले उनको रोकिए पत्थर मारने से, आप उनको रोकना तो चाहते ही नहीं है। नहीं, मेरे एक व्यूअर ने भी एक सवाल पूछा है, और वो पूछ रहे ट्वीट करके शबनम लोन की आप कितनी बार गई उन पत्थरबाजों के पास उनको समझाने कि पत्थर मत चलाओ। मैं इस डिबेट में आई हूं शबनम लोन। नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, ये डेमोक्रेसी है, ये हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन ये आपके सब जो पार्टिसिपेंट है आप लोगों को किसने हक दिया है हम लोगों पे जजमेंट पास? कोई जजमेंट नहीं दे रहा, आपसे तो सवाल पूछ रहे, जजमेंट देना होता तो बिना बुलाए आपके नाम से प्लेट दिखा के जजमेंट दे देते। शबनम लोन, शबनम लोन इस देश का एक आम नागरिक आपसे एक सवाल पूछ रहा है, आप कितनी बार गई हैं उन लोगों के पास उन लोगों को डिफेंड करने की बजाय समझाने की पत्थर मत चलाओ? ये पूछा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। देखिए एक बात, देखिए आप कितने अनफेयर हैं। वहां पर एक सरकार चल रही है बीजेपी और पीडीपी की, वहां का जो मिनिस्टर है वो आराम से बैठा हुआ है, सेंटर को कहता है मुझे 800 करोड़ भेजो, कोई मिनिस्टर कह रहा है 500 करोड़ भेजो, और ये लोग वहां पर अपने मंत्रिमंडल सब ऐश आराम कर रहे हैं, फौजी मर रहे हैं और हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी औरतें छोटी छोटी जवान बेटियां हमारी मर गई हैं पैलेट बुलेट से, हजारों लोग मर गए हैं वहां पे, 200 बच्चे हमारे अंधे हो गए, और ये लोग ऐश अशरत कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये मंत्री क्यों नहीं जाते हैं? अगर ये लोगों के रिप्रेजेंट, बिल्कुल जाना चाहिए, तो इनका काम बिल्कुल जाना चाहिए शबनम लोन, बिल्कुल जाना चाहिए, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए सरकार की, सुधांशु मित्तल बिल्कुल जाना चाहिए, सुधांशु मित्तल क्यों नहीं जाती, सरकार ने क्या किया ये जानना चाहता आज देश, बताइए। एक रिक्वेस्ट, हाँ बोलिए बोलिए शबनम लोन, बोलिए पूरी कीजिए अपनी बात, फिर मैं सुधांशु मित्तल के पास जा रहा हूँ। आप इस दौरान प्लीज आप एक प्रोग्राम रखें, सुधांशु जी सुने, एक प्रोग्राम रखें इस दौरान, आप देख लीजिए एक प्रोग्राम करें कि कश्मीर का जो मंत्री है
जो चीफ मिनिस्टर है इन पे देख लीजिए जरा इन्होंने कितना खर्चा किया। चलिए अब जवाब लेते हैं। सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए। और सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए और इस बात का भी जवाब दीजिए जो लगातार हमारे व्यूअर हमें #BSBD पर ट्वीट करके सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार ने 150 करोड़ टैक्स पेयर्स का सेपरेटिस्ट पर क्यों खर्चा किया। टैक्स हम देते हैं मजा ये सेपरेटिस्ट उड़ाते हैं क्यों नहीं। अगर आप जानते हैं कि सेपरेटिस्ट इसके पीछे हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता। पहले तो शबनम लोन जी को मैं जरा बेनकाब कर दूं। आपने उनसे सीधा स्पष्ट प्रश्न पूछा कि यहां पे उनकी तरफदारी करने की जगह क्या आप वहां गई। अरे चुप तो रहिए भैया, आप जो बोली थी मैंने ही बोला ना। आई ऑब्जेक्ट टू दैट। आपने इनसे प्रश्न पूछा क्या क्या बेनकाब करें, क्या बेनकाब तरीके से बात करें सुधांशु जी। डोंट यूज, सुना तो ही नहीं आपने। ये सुनिए सुनिए तो क्या बेनकाब करें। यू आर एन अपोलॉजी, यू आर एन अपोलॉजी टू एनीथिंग सीरियस, यू आर एन अपोलॉजी टू एनी सेंसिबिलिटी। आपको पता नहीं किसने कहां भिजवा दिया। आप जैसी फालतू की इंसान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अरे भाई आप में हिम्मत ही नहीं है। You are a coward. You are a coward because you have no courage to listen to what anybody else says. The moment I start speaking, Shabnam Lord, hold on. आपको अपनी बात रखनी चाहिए डेमोक्रेसी में, आपको अपनी बात रखनी चाहिए बजाय बहस से भागने के। सुधांशु मित्तल कैरी ऑन। हम ट्राई कर रहे हैं शबनम लोन को फिर से इस पैनल बैठाने के। शबनम लोन से आपने बार बार पूछा, आपने शबनम लोन से बार बार पूछा कि आप एक बार भी गई क्या वहां पे उन बच्चों को समझाने के लिए कि तुम पत्थर न मानो। शब्द हां नहीं निकला मुंह से, क्योंकि कराओ तो जो निकलेगा। इनमें से किसी एक व्यक्ति ने जो इनके हक में यहां बोलते हैं, मेरे बच्चे हमारे बच्चे, एक हजार हजारों लोग मर गए जो ये बातें करते हैं, उनमें से किसी ने उन बेचारे बेगुनाह लोगों को जो इनके बहलानवे में आके अपने को हाथ में कानून लेके गुनाह करते हैं उसको समझाने की एक ने कोशिश करी? नहीं करी। आपने खुद ने बतला दिया इनमें से किसी का एक का बच्चा जो है इस आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा। देखिए जहाँ पे सारा उद्देश्य किसी दूसरे के कंधे पर राजनीति करके अपने फायदे करने हो, उनको ना तो इस कश्मीर की समस्या से कोई लेना देना है ना। नहीं सर, मेरा एक सवाल था जो आपने जवाब नहीं दिया। मेरे पास समय बिल्कुल कम है सर। एक सवाल का जवाब आपको देना चाहिए सर। सरकार आपकी है पीडीपी के साथ, इससे आप नकार नहीं सकते सर। आपके केंद्र में भी सरकार है सर। मुझे लोग ट्वीट कर रहे हैं, मुझे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सुधांशु मित्तल जी से सवाल पूछिए कि अलगाववादियों के खिलाफ आप इतना कड़ा बोलते हैं, कड़ा एक्शन कब लेंगे उनके खिलाफ। अब जो वहां पे चल रहा है वो क्या चल रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय वहां पे लोग जो हैं इन आतंकवादियों को घेर बचाने की कोशिश करते हैं तो कोशिश होती है कि जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन अब आर्मी ने कह दिया है बहुत हो गया, हमारे बहुत जवान जो हैं घायल हो गए, बहुत शहादतें हो गई हैं, अब हम इसको स्वीकारेंगे नहीं। 3 किलोमीटर के अंदर अगर किसी ने भी ये करने की कोशिश करी तो उनको आतंकवादी मान के उनके साथ वही व्यवहार होगा जो एक आतंकवादी के साथ। वो तो आर्मी का रिस्पांस है, गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है? अंदर एक सीमा रेखा होती है, लक्ष्मण रेख वही तो जो आर्मी करेगी वही तो सरकार का रिस्पांस है। एडवाइजरी किसने इशू करी? तीन ट्रायोग है ना, तीन है आर्मी चीफ ने, मीरवाइज और यासीन मलिक। आपको पता आपके पास रिपोर्ट्स है कि वो अलगाववादियों से ट्रबल क्रिएट करेंगे, आपने अभी तक उसको अंदर क्यों नहीं किया? उनको स्टेट से निकाल के किसी और स्टेट के जेल में क्यों नहीं रखा? वो सरकार होते तो हाउ डेनेस्टी क्यों होता? इनोसेंट लोगों पर गोली चलाएंगे ये नहीं डेमोक्रेसी है सर। अब इनोसेंट मत कहिए उनको। प्रेमचंद मिश्रा जो पत्थरबाजी कर रहा हो सेना पर उसको इनोसेंट मत कहिए प्लीज। पार्टी क्यों नहीं सारी पार्टी? प्रेमचंद मिश्रा आप कहते हैं आर्मी के साथ है, प्रेमचंद मिश्रा आप कहते हैं आर्मी के साथ है, तैयार है, हम रेस्पेक्ट करते हैं, आर्मी के खिलाफ जो भी करेगा उसके हम खिलाफ है, लेकिन फिर आप कहते हैं इनोसेंट। सर इनोसेंट कैसे हो सकता है वो जो आर्मी को आतंकवादियों को मदद कर रहा हो, आर्मी पे पत्थर चला रहा हो? जो मिसगाइड एक गौरव जी जो पत्थर चला रहा है आर्मी पर हम उसके खिलाफ है, तो फिर इनोसेंट कैसे एक्शन चाहते हैं? तो इनोसेंट क्या है? नंबर टू, बीजेपी सरकार अगर मोदी सरकार साफ है तो एक और पार्टी डेलीगेशन लेकर चले, कांग्रेस पार्टी जाने को तैयार है, उन लोगों से बात करिए जो जिनको लोग पैसे देके मिसगाइड करते हैं वो टेररिस्ट। सर आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। व्हाई आर यू सेइंग देम इनोसेंट? मेरा एक सवाल है व्हाई आर यू सेइंग देम इनोसेंट? नहीं, मैं
सुनिए, आपके अपने देश में कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन है, लॉ रूल ऑफ लॉ चलता है। यहाँ पर सिर्फ गोली चलाने की बात नहीं होती, ठीक है, और आर्मी पर पत्थर फेंकने की इजाजत है, आर्मी पर पत्थर फेंकने की इजाजत है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं, आर्मी पर पत्थर फेंकने के साथ आर्मी पर पत्थर फेंकता है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पत्थर फेंकता है, सुनिए, आप जो एक इंटरव्यू देंगे कब बोलने से पहले लॉ समझिए फिर बोलिए। रहता है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा, आपकी बात हो गई, देश ने देख लिया आप किसको इनोसेंट कह रहे हैं और किसको आर्मी के साथ कह रहे हैं। मैं आपके पुत्र का फादर का भी बात करना चाहता हूं, और नीति की बात यह है जो फौज का झंडा काम करे मैस्कुलिनिटी दिखाए, ठीक है, वो आप अपनी नीति में कब जोर चले, ठीक है, कब ताकत दिखाएंगे अपनी नीति में, कब दिखाएंगे उन लोगों को भी सीधा करना जो खामखा के हीरो उधर बने हैं। ओके सर, उन हीरो को कब सीधा करेंगे आप? ठीक है, थैंक्स अ लॉट, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। राकेश सिन्हा और शबनम लोन, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। हालांकि शबनम लोन, मैं चाहता नहीं था कि शबनम लोन इस तरह से इस डिबेट में जाएं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन डेमोक्रेसी का फायदा इस तरह मत उठाइए कि आर्मी पर भी सवाल खड़े कर दीजिए, क्योंकि आर्मी है तो हम है, और आर्मी पर पत्थर फेंकने वालों को इनोसेंट तो बिल्कुल मत कहिए, कम से कम वो जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। BSBD यानी बिग स्टोरी बिग डिबेट में इतना ही, #BSBD और @ZeeBusiness पर आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस इतना ही, नमस्कार।